सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ एहि सोहेला शब्द सोहावा शब्द सोहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहि तिनकै मन वसिया जिन धरों लिखिया आया एक फिरें कनीरी करें गल्ला गल्ली किने ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडे जीवन सफर विच दुख सुख हरख सोग खुशी गमी घाटे वादे मान अपमान ये सब कुछ मन महसूस करता है। यही कारण है मन की कदे स्थिरता भी नहीं बनती, मन की बराबर भटकना बनी रहती है। ये टका वास्ते बस एक साधन है वो गुरु का शब्द का स्तंभन बन सकता है। साहब के बचन बहुत बारी तुम चिट्ठी करते हो गए जो मंदिर को थम है थमन त्यों गुरु का शब्द मने स्तंभन। मन का टका केवल शब्द नाल है, इस शब्द नाल ही जुड़ के रहता है। ये गल वक्री है, शब्द कुछ निरंकारी ने शब्द कुछ बेकारी ने। बेकारा वाला बंदा बेकारी शब्दों नाल रिश्ता जोड़ लेंदा है, निरंकार वाला बंदा निरंकारी शब्दों नाल रिश्ता जोड़ लेंदा है। पर आपां विचार करदे आ रहे अनंत साहिब दी बाणी विचों, ओह जो पिछे जिक्र आ चुका होया है भगतां की चाल निराली है, वह विकारां दी राह ते तुरदे ने, फिर तुरदे भी उमे ने ज्यों तू चलाहे टिब चलै स्वामी, उते मालिक दे अख तुरदे ने। फिर इस गल करके उन्हां नूं बेकारी शब्द नहीं, उन्हां नूं निरंकारी शब्द चंगे लगते, रब के शब्द चंगे लगते हैं, परमेश्वर के शब्द चंगे लगते हैं। कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा। दूजे पासे मेरे मोहन सरबनी ए ना सुनाए साकट गीत नाद धुन गापत बोलत बोल अजाए। बिरसो ढीठा वख वखरिया पंक्तियां ने अमृत बूठा शब्द लगो गुरु मीठा। उन्हें गुरु का शब्द मिठा लगन लग जाता है। ये बड़ी अजीब अवस्था है, गुरु को इलाज करवाना पैदा है क्योंकि गुरु का शब्द है अमृत। तो जिन्हों अमृत कौड़ा लगता है जहर मिठी मिठी लगती है फिर उन्हें इलाज करवाना पैदा गुरु को। गुरु कृपा करता फिर उन्होंने शब्द अमृत मिठा लगन लग पैंदा। साकट की बिद नैनो डिठी अमृत कौरा विख्या मिठी। एक तो होका दिंदे ने गुरु अमरदास जी, आवो सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी। गीता नहीं तो कोई होका भी नहीं दिता, तद भी लोग सुनते हैं। इतने तो गुरु अमरदास जी का होका भी असी नहीं सुन पाते। गुरदेव ने कृपा की, कहन लगे जेड़े रब्बी प्यार वाले ने उन्हें रब के प्यारे शब्द चंगे लगते हैं।
जिहदे नाल प्यार होवे उहदे शब्द भी चंगे लगदे ने। इह निशानी है। लावां दे विच भी आपां पढ़दे हां, सहज आनंद हुआ वडभागी, मन हर हर मीठा लाया, प्यारा लगन लग पिया मैनूं, मैनूं मालक प्यारा लगन लग पिया। हमारी प्यारी अमृत धारी, गुर निमख न मन ते टारी दी, दर्शन परशन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी दे। कहन लगे रब दे प्यार विच है, खिन रम गुर गम हर दम नह जम, हर कंठ नानक उर हारी दे। तेरे बचना विच एडी वड्डी ताकत है दाता जी, तां सानू मिठे लगदे ने। तेरे बचना विच एडी वड्डी ताकत है, गुरदेव दा बचन है बड़ा प्यारा, सतगुर बचन तुम्हारी निर्गुण निष्ठारे, महाविखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगार, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उतारे, कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट हर द्वारे, कवन उपमा दियो कवन बढ़ाई नानक खिन खिन बारे। जिन्हां नूं रब दे शब्द मिठे लग गए उन्हां परवाह ना मनी। एक मैं वचन पहलों कहन लगा, बड़े ध्यान नाल सुनो, शेख फरीद दा बोल है, फरीदा दुनी बजाई बजदी, तू पी बजे नाल, जे तू भी दुनियादारा दी इह गल्लां करना है फिर तैनूं धर्मी कहाउण दा हक नहीं। फरीदा दुनी बजाई बजदी, तू पी बजे नाल, सोई जियो ना बजदा जिस अल्लाह करदा सार। जिन्हों भरोसा हो जाए रब मेरी प्रतिपालना करदा है, वह कदे दुनियादारा की बोली नहीं बोलते। एक बच्चा जो पहले दिन स्कूल पढ़न आया, बस्ता रखे फट्टी कोल, उदा टीचर उदा उस्ताद अध्यापक उन्हूं कहन लग्या जी पहला सबक लिख फट्टी ते। वह पहला सबक लिखण लगा, हरेक स्कूल विच हरेक जमात विच उत्थों दा निजम है, ये पढ़ाया जांदा है, राजे की तारीफ विच कुछ बचन लिखने ने, पहला सबक ही है। छोटा जिहा बच्चा जो पहले दिन आया तो पहले दिन ही मनुकर हो गया, कहिंदा नहीं मैं राजे की तारीफ विच बचन नहीं लिखने, जे तू लिखाउणा ही चाहुंदा मैनू रब की तारीफ विच बचन लिखा। अध्यापक ने बड़ा समझाया, वह ना मनिया। आखिरकार थोड़ा बहुत झिड़किया भी, पर सी राजे का पुत बहुता नहीं झिड़किया ता कि मेरे ते गल ना आ जाए। चंगा सोचिया, माँ बाप नूं शिकायत कर दिया, मापिया नूं शिकायत की, पिता राजा खुद। देखो एक फट्टी उत्ते दो अखर लिखण दा झगड़ा है, और झगड़ा इतना वधिया इहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब च आ गया। यह जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं आया, इस झगड़े में दखल अंदाजी देनी पई रब नूं खुद नूं। रब ने दखल अंदाजी की, दखल अंदाजी की कीती जदों वह बच्चा ना प्यो दे आखे लग्या, तारीफ नहीं लिखी राजे की, ना माँ दे आखे लग्या, ना उठों दे उस्तादां दे आखे लग्या, फिर एक ही गल चली भी यह बच्चा साडे आखे नहीं लगता, यह तो चंगा इन खत्म ही कर दियो, कल होर बागी पैदा होणगे। हुण एक बच्चा है उहनूं खत्म करन दे किन्ने वसीले बनाए, पर जिदी वह तारीफ लिखता कह लग्या पुत तेनू तत्ती बाह नहीं लगन देंगा, तत्ती बाह नहीं लगन देंगा, और नहीं लगी। गुरबाणी विच जिक्र है, रब ने दखल अंदाजी करके उहदे बाप नूं तां मार दिता ते उस पुत्र की जित करवा दिती, जिहदे पुत का ना है प्रहलाद ते बाप का नाम है हरनाक्ष। ने फट्टी ते दो शब्द नहीं सी लिखे भी मैं तेरी तारीफ च नहीं लिख सकता, मैं रब की तारीफ च लिखा। यो शब्द ने इस तरह का एक जिक्र है, गरीब ने घर च जमया पलिया, जिटी झुग्गी भी लोग बनाते हैं,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਾਮ ਨਾ ਕਹਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਮਸਾਂ ਪੁੱਤ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਭੱਜੀ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਰੋ ਰੋ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਤੂੰ ਘਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਰਾਮ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਹਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮਾਂ ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋਟ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ। ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਤੋਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹੀਓ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਤਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲੀ। ਤੋ ਆਓ ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ, ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾ ਸੋਚ ਲਵੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰੀਫ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਫ ਨੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਉਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਸੋਹੇਲਾ ਮਨਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਇਹ ਸੋਹੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹੇਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੁਹਾਵਾ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਦਾ ਸੋਹੇਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁੱਤ ਘਰ, ਇਹ ਉਹ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਗ ਦਾ ਗੀਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੋਤੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ।
मैं ते रबी हुक्म कहा है ये मैं नहीं जानता बोल की ने मैं ते परमेश्वर के भाने विच बोले हैं निरंकार के भाने विच बोले हैं जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो सच की बाणी नानक आखे सच सुनाई सी सच की वेला इत सच दे अमृत बोलने मेरे नहीं है सतगुरु सुनाया यही तिन कै मन वसिया। मैं हर बारी बेनती करना अज फिर लोग शब्द दोहरा लेना मैं बेनती करना भी एक एक शब्द का रस जरूर पियो यही तिन कै मन वसिया। बड़े सुभागे ने वो लोग गुरबाणी जिन्हों के बुलों पर है बड़े सुभागे ने वो लोग गुरबाणी जिन्हों की जबान की नोक पर है बड़े सुभागे ने वो लोग गुरबाणी जिन्हों के दिमाग में बसी हुई याद होगी उन्होंने चेते होगी। पर कोई विरला प्यारे हो जिदे मन विच बाणी बस गई जिदे किरदार विच बाणी बस गई जिदे जीवन विच बाणी बस गई जिदे जीवन के अंदर बाणी का प्रभाव बरत गया ये तो उदे ही बसदी है जिन ये तिन कै मन वसिया जिन धुरो धुरों का मतलब की है जिन्हों रब ने परमेश्वर ने रहमत कर दिती उन्हों लिख के देता तो वो हिरदे च गुरबाणी वसदी है। मुबारक जिन्हों के कन्ना तक बाणी पहुंची मुबारक जिन्हों की जबान तक बाणी पहुंची मुबारक जिन्हों के दिमाग में बाणी वस गई। पर प्यार वालियो जो मन में बाणी बस गई ना तो मन ही भटकना का कारण है मन में बाणी बस गई तो मनुख का जीवन ही बाणी वर्गा बन जाना उन्हों बड़ा प्यारा लगता फिर गुरु का एक एक शब्द। हर रोज सवेरे पिता इशनान पान करता है एक अलमारी खोलता है उच्च एक डब्बा कढ़ दे डब्बे विचों एक छोटा जिहा परचा कढ़ दे उन्हें रुमाले च लपेटिया होया ते बैठ के उन्हें पढ़ी जांदा है। कई बारी पढ़दियां पढ़दियां जबान बंद हो जाती पर अखां दे रस्ते खुल जाते ने अथरू बह करदे ने। एक दिन सुभाविक इस पढ़ने वाले प्यो की गोद में एक बच्ची आके बैठ गई इसी की धी आके बैठ गई सत्त अठ साल की है बैठी तो अपने पिता के अथरू पूंझ के कह लगी अब्बा ये तुसी की पढ़ते हो रोज की लिखे ये कह लगे धीए ये गुरु कलगीधर पातशाह ने सानू कुछ शब्द लिख के दिते ने साडी बड़ी जिंद जान ने शब्द बड़े प्यारे ने अब्बा की लिखिया है लिखिया है गनी खां नबी खां तुसी मेरे अलीक पुत्र हो कहन लगी अब्बा एक बारी फिर पढ़ गनी खां नबी खां तुसी मेरे अलीक पुत्र हो अब्बा एक बारी फिर पढ़ उन्हें फिर पढ़ दिता अब्बा जिन्ना चिर मैं नहीं कहती तू पढ़ी जा बस अज गोद विच बैठी वो बच्ची पिता दी ते प्यो पढ़दा चला गया धी सुनती चले गई अगम्मी अवस्था विच पहुंच गए। कहन लगी अब्बा इहदा मतलब की है इहदा अर्थ की है कहन लगे पुत इहदा अर्थ यह है भई गनी खां ते नबी खां जेड़े मेरे पुत सन ओ तां लीक पुत सन जदों सिख गुरु नाल मातम करना है सन पुत्रां दा गुरु ने आख्या सी लकीर बादे बाद दिती चार लकीरां बाहियां ते चारे मिटा दित्तियां
कहन लगे गुरु ने अपने पुत्रां नूं तां लकीर कह दिता, लीक कह दिता, पर सानू कहता तुसी अलीक हो, तुसी मिट नहीं सकते। इन्ना प्यार दिता उन्हें अपने पुत्तां तों भी वध। कहन लगी अब्बा तुहानू गुरु गोबिंद सिंह अपने पुत समझदा? कहन लगे हाँ धीए सानू अपने पुत समझदा। कह लगी अब्बा मैनू एक गल समझ नहीं आई, जड़ा बजुर्ग हो बे वो भी कहिंदा मैं गुरु गोबिंद सिंह दा पुत है, जड़ा जवान हो बे वो भी कहिंदा मैं गुरु गोबिंद सिंह दा पुत है, जड़ा बच्चा हो बे वो भी कहिंदा मैं गुरु गोबिंद सिंह दा पुत है, सारे पुत ही बने हुए ने। कह लगे हाँ धीए वो सारे पुत ही ने उहदे। कह लगी अब्बा जे सारे गुरु गोबिंद सिंह दे पुत ने, जेड़े उहदे अपने चार पुत सी उन्हें कोई ब्याया? कहिंदे नहीं धीए उन्हें ब्याया नहीं, ब्याहुण दा मौका नहीं मिलिया, मौत लाड़ी नाल ही ब्याह दित्ते ने। कहिण लगी अब्बा फिर ते गुरु गोबिंद सिंह दी कोई पुत ही नहीं होनी, गुरु गोबिंद सिंह दी कोई पुत्र पुत्री नहीं होने, सारी पुत ही बन जाते ने। कहिंदे हाँ धीए पुत्री नहीं कोई भी। वह बच्ची गोद विच बैठी बोल पई, उस वेले ध्यान मानक के चरणों में जुड़िया। कह लगी अब्बा तेनू गुरु गोबिंद सिंह मिलिया ते उनू कमी, मैं पोती मैं पोती, मैं गुरु कलगी धरती पोती, मैं गुरु चरणों नाल परोती, मैं एक आपदार मोती। डॉक्टर बलबीर सिंह दे लिखे बोलने, कह लगे मेरे मालक नू कमी, मेरे उस गुरु गोबिंद सिंह नू कमी, तेरी दुनिया च एक पोती भी है। गनी खां ने मुख चुम लिया, कहन लगे धीए इन्ने सिदक नाल तां असीं भी नहीं कदे शब्द पढ़े जितने सिदक नाल तेरे अंदरों एक प्रेम फुट पिया। मैं तुहाडे चरणां विच बेनती करां प्यार वालिओ, ओ सिख तां बाणी नूं वार वार पढ़ेगा जिहनूं बाणी नाल प्यार हो गया। कोल कमाई लालना गुरमन दीना, सुन शब्द तुम्हारा ए मन पीना। मन भिज जाए गुरु चरणा नाल फिर उन्हों बाणी विसारियां भी नहीं विसरेगी। पुछियो कदे मती दास नूं तेनू आरियां दे दंदियां दा दर्द ना लगा, कहिंदा मेरे कोल बाणी सी। तेनू खोपरी डवाउंदिआं कोई दर्द ना लगा, कहिंदा मेरे कोल बाणी सी। तैनूं पुत्तां दे कलेजे मुख विच पौंदिआं दर्द ना लगा, कहिंदा मेरे कोल बाणी सी। तैनूं पीसणे पीसदिआं धीए बच्चिए दर्द ना लगा, कहिंदी मेरे कोल बाणी सी। जिन्ना चिर सिख कोल बाणी है ना, रब दे अमृत बोल ने सच करके जाणिओ, आरे भी हार जांदे ने, रंभियां भी हार जांदियां ने, उहदा सिदक अडोल रहि जांदा। हजूर कृपा करदे ने इह तिन कै मन बसिया जिन धुरों लिखिया आया। एक फिरे कनेरे करें गल्लां, गली किने ना पाया। बड़े लोग ने जिहड़े गल्लां करन वाले ने, रब्बी शब्द नूं छड के गल्लां करन वाले ने, कच्चियां गल्लां बहुत करदे ने। कोई किते पहुंचिया कोई किते पहुंचिया, पर सहबाक ने कहिंदे नहीं भलिया गली किने ना पाया, गल्लां वालिया दे मगर ना लग जाई किते, उन्हां कोलों नहीं कुछ भी प्राप्त होना, तेनू भुलेखा है। गुरु दे शब्द की बड़ी कीमत है। भाई गुरदास जी दे एक बचन कहदे आ, शायद थोड़ा बहुत सानू एहसास जाग जाए। भाई साहब की यह खूबी है भी वह अपनी गल समझाउण लगे आ उदाहरणां बड़ियां देंदे ने ते अखीर विच अपनी गल समझाउंदे ने। पातशाह आखदे कहिंदे गुरु का शब्द की है, आ मैं तैनूं दसां, अणजाण लोकां कोल ना जाई। जैसे ईरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी। जैसे बार बंद है हुंडी लगत न भार कश, आगे जाए पाइयत लक्ष्मी अपार जी।
जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप हो तो बोए से विविध करे बिरखा विस्थार जी, तैसे गुर बचन सचिन गुर सिखन में जानिए महात्म गए हरिद्वार जी। कहते गुरु नूं पुछ के देखिए की कीमत है शब्द की, अर्थ कर दिए थोड़े पकड़ विच आ जाए गल। एक बंदा बाहरों जाए तो बहुत कुछ लेके जाए, कई टैची भरे होंगे ने बहर वाले दे देखने आप। दूजा बंदा सिर्फ एक चैक लेके गया है, कुछ भी नहीं कोल, बाकी लोग कह लगे फलानी इन्ना कुछ लेके आई तू की लेके आया, वो कहते एक पेपर लेके आया, कहते यह जे तो इतों लिख लेंदा, ये खातर इन्ना समा विदेशों चलाया। किसी बंदे का कारोबार बहुत वड्डा होवे लोग उहदे अडंबर तो खुश हो जाते हैं, पर किसी बंदे कोल हीरा होवे देखण नूं ते हीरा छोटा ही लगता है ना कारोबारां दे मामले च, जमीन जायदाद दे मामले च, पर अमीर ते हीरे वाला है ना। वड्डे टैची भर के लिजाण वाले नालों कितने ज़्यादा अमीर वो बंदा है जिहदे कोल चैक है कीमती ड्राफ्ट है, जज की भाषा च कोई शब्द कह लो। कहिंदे आम लोकां नूं ना पुछ हीरे की कीमत, किसी पारख नूं पुछ भी इहदे कोल की है, उस पेपर की कीमत आंढ गुआंढ तो ना पुछ, उस पेपर की कीमत किसी बैंकर तो पुछ जिहड़ा बैंक च कम करदा है। तीजी उदाहरण भाई गुरदास जी ने दिती, कहन लगे बरोटे का बीज गोल निक्का जिहा एक किणका हुंदा उहदे विचों खसखस दे दाने तो भी छोटा हो जांदा, कहिंदे तली ते रख के किसी उस माली नूं पुछ के देख भई इहदे च किन्नी कि ताकत है, वह कहेगा जिहड़ा एड्डा वड्डा बरोटे का दरख्त है वह इहदे विच छुपिया होया। तीन उदाहरण दित्तियां ने भाई गुरदास जी ने, कहिंदे तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन में, गुरु का बचन गुरु के सिखन च इहो जी अहमियत रखता है जिवें आम जमीन जायदाद नालों हीरा बड़ा कीमती है, जिवें आम साजो समान नालों बैंक का पेपर बड़ा कीमती है, जिवें आम बरोटे के खिलारे नालों निक्का जिहा बीज बड़ा कीमती है। सच करके जाणियो इस तरह लोगों दीआं गल्लां नालों किते वध कीमती गुरु का शब्द है प्यारे। एक फिरे कनेरे करें गल्लां गली किन्ना न पाया, कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। कहिंदे इह खुशी दा गीत मेरे मालक ने सतगुरु ने मैनू सुनाया, रब दा गीत मेरे सतगुरु ने मैनू सुनाया। आओ प्यार वालियो फिर कोशिश करिए जिहड़े शब्द ने इतना वड्डा दुनिया दे अंदर वखरा पक्ष पैदा कर दिता, गुरु घर में जो कुछ पैदा होया वह शब्द नाल ही पैदा होया। दरबार साहब है शब्द करके है, गुरु है शब्द करके है, गुरु ग्रंथ साहब है शब्द करके, खंडे की पौल है शब्द करके, कुछ भी कह लो शब्द करके है। तो उस शब्द नाल अपने जीवन की सांझ पा लीए, जेडे गुरु शब्द नाल जुड़ जाते हैं फिर उन्होंने जीवन यह लोग सुखी है पर लोग सोहेले, नानक हर प्रभापे मेले भुलां दी खिमा। अदब नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।